सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा, आज मिशन 2023 का करेंगे शंखनाद। आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय बैठक आज से, मोहन भागवत और जेपी नड्डा करेंगे शिरकत। गणेश विसर्जन के दौरान हुए बड़े हादसे, हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश में गई 23 लोगों की जान। भारत और इंग्लैंड की महिला टीम के बीच पहले T20 मैच में शनिवार को होगा आमना सामना। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बांदा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 2 दिवसीय कार्यक्रम है, साथ ही नूतन बाल गणेश महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान राज्य मंत्री रामकेश निषाद, सदर विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी और जिला अध्यक्ष संजय सिंह मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम प्रसाद मौर्य समीक्षा बैठक से लेकर कृषि विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और बिशिंडा के आदर्श इंटर कॉलेज में कार्यकर्ता से रूबरू होंगे। लखनऊ में बच्चा चोरी से संबंधित सूचना का सत्यापन एवं जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा किए जाने और प्रभारी गश्त किए जाने के साथ साथ आमजन को जागरूक किए जाने के लिए लाउड हेलर की इस्तेमाल पर, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाह का त्वरित रूप से खंडन करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ कहा प्रशांत कुमार ने, आइए सुनते हैं। इस पूरे प्रकरण को शासन एवं पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। पूर्व में भी मॉब लिंचिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश सभी जनपदों को दिए गए थे, उन्हें पुनः भी संवेदनशील बनाया गया है, नया सर्कुलर जारी किया गया है और ऐसे सभी प्रकरण जो भी इस तरह की चीज़ें अगर प्रकाश में आ रही हैं उसके लिए निर्देश है कि उसकी सत्यता को तुरंत सीनियर लेवल पे राजपत्रित अधिकारी जाके स्वयं परखें और सत्यता के आधार पर कार्रवाई करें। अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस पूरे प्रकरण को ब्रह्मास्त्र मूवी में किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर के मंदिर में जूते पहनकर जाने की वजह से पूरे देश में इस मूवी को लेकर हिंदूवादियों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी का बायकॉट करने के लिए सोशल मीडिया में बहुत तेजी से लेख एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं। वहीं मूवी देखने वाले लोगों का कहना है कि इस मूवी में सभी ने अपना अपना किरदार अपनी अपनी जगह पर निभाया है। ब्रह्मास्त्र देखने आए थे डीडी में अलीगढ़ में, तो फर्स्ट शो था वही देखने आया था। तो मूवी की पब्लिक कैसी थी? पब्लिक अंदर काफ़ी अच्छा था, क्राउड था और मूवी की बात करें तो VFX टॉप नॉच था से, बट एक्टिंग की बात करूँ तो एक्टिंग भी ठीक थी, बट आलिया भट्ट का रोल मुझे बहुत ज़्यादा लगा उसमें, कितना ज़रूरत नहीं थी और जो चीज़ें दिखाई, मतलब स्टोरी अच्छी थी बट उसे शायद ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया मेरे तरफ से। तरीके से विरोध नज़र आ रहा था, कहीं वो असर देखने को मिल रहा है क्या? केमिस्ट्री हाँ अच्छी थी दोनों की, बट बहुत ज़्यादा लेवल पे लेके गए हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए था, मतलब हर चीज़ में वही थी। DD सिनेमा में अलीगढ़। कौन सी मूवी थी? ब्रह्मास्त्र। कैसी मूवी थी और कितनी पब्लिक थी अंदर? पब्लिक आधा सा भरा हुआ था हॉल और मूवी सही थी, बढ़िया थी। कहीं ना कहीं लग रहा था जो विरोध हो रहा था इस मूवी का,
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया थी। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मैं यहाँ पर डीडी सिनेमाज अलीगढ़ में मैनेजर हूँ। अच्छा, ये मूवी लग रही है ब्रह्मास्त्र, क्या रिएक्शन है इसका विरोध के बाद में, कितनी सेल हुई है? अभी जो सेल, अभी तो 200 चले हैं मेरे, और वो 30-40% ऑक्यूपेंसी रही है उसकी, और विरोध पे थोड़ा बहुत असर तो पड़ा है। मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाउसफुल रहेंगे शो, वो तो नहीं है, फिर भी 50-60 मतलब अच्छी गैदरिंग होने की उम्मीद है और चलेगी एज पर, मतलब जो भी हमारी एडवांस बुकिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो 50-60% रहेगा, और संडे हो भी सकता है कि हाउसफुल रहे। औरैया में पुलिस अधीक्षक चारू निगम की ओर से थाना एयर वक्टरा का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें थाने की बैरक, जनसुनवाई रजिस्टर, नियुक्ति रजिस्टर, अपराध रजिस्टर और थाने की कई अभिलेखों और भोजनालय का निरीक्षण करने के बाद निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहारों को देखते हुए भीड़भाड़ वाले जगहों पर पैदल गश्त करते हुए लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान सीओ महेंद्र प्रताप सिंह, थाना अध्यक्ष रामसराय पटेल के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। मैम, आज आपके द्वारा एरवा कटरा थाना पूरे भ्रमण किया गया एवं पैदल गश्त किया गया, क्या क्या इसका मुख्य दृष्टि किस वजह से? देखिए, कानून व्यवस्था के दृष्टिगत विवेचनाओं का निस्तारण, जिसके लिए पहले शाम को मेरे द्वारा ओआर किया गया, फिर थाना एरवा कटरा का निरीक्षण किया गया, क्योंकि शाम का समय था तो इस दौरान मुझे लगा कि थाने पर रहना उचित नहीं है, तो फिर हम लोगों ने पैदल गश्त की। अब एक चौकी यहाँ पे उमरैन पड़ती है, जिसमें अभी वर्तमान में हम हैं, तो यहाँ पैदल गश्त करके पूरा कस्बा का भ्रमण किया गया और जो भी यहाँ पे क्राइम किस प्रकार का है उस सब के बारे में जानकारी की गई, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खबर बुलंदशहर से है, जहां मिट्टी खोद रही किशोरी व एक महिला के ऊपर 10 फीट ऊंची मिट्टी की ढांग गिर गई। ढांग गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे मौके पर इलाज के लिए सीएससी पहुंचाया गया। वहीं इस घटना में किशोरी की मौत हो गई, जिसे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर बुलंदशहर से है, जहां 50 वर्षीय वृद्ध युवक ने गली में खेलते वक्त बच्ची को जबरन अपने घर में खींच कर ले गया और बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने बच्ची के परिजनों को तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बच्ची को जाँच के लिए मेडिकल भेजा। मतलब कि ये जो है, इसने जो गलत काम किया है, 3 बजे की बात है, मुझे 4 बजे खबर लगी है। अच्छा। ठीक है, मुझे खबर लगी, मैं फैक्ट्री से आई हूँ, काम पे से आई हूँ, मैं यहाँ पे जर्रा पे ले गई खुर्जा, यहाँ मना कर दिया, सुधा के यहाँ हॉस्पिटल ले गई, वहाँ मना कर दिया। घटना कहाँ की है, किसके घर? खुर्जा जंक्शन शिव कॉलोनी। नहीं, किसके घर की घटना? इसी के की है, मुलजिम के घर पे बुलाया। मुलजिम के घर की है। कैसे बुलाया गया? लड़की मेरी वहीं पर खेल रही थी, तो खेल रही, मतलब कि बाजू पकड़ के नहीं है, लेके गया अंदर को। जब मेरी लड़की की चीख उठी है तो इसने मुंह बंद कर लिया, कह दिया कि किसी से बोलेगी तो मैं मार दूंगा तुझे। खुर्जा जंक्शन क्षेत्र में एक 10 साल की बच्ची के साथ 7 तारीख की एक घटना बताई जा रही है। अभी तक तो उसका इलाज कराया जा रहा था, लेकिन आज जा करके ये बात प्रकाश में आई है, पुलिस को आज सूचना मिली है, तो पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या तहरीर दे दी गई सर परिजन? देवरिया में लोगों का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, इसी मांग को लेकर लोग जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। हर बार सभा के लोगों ने एसडीएम सौरभ सिंह को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी। वहीं जिला अध्यक्ष गुरुज खरबार ने बताया कि पूरे तहसीलों में खरबार जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, आपका जाति सर्टिफिकेट बंद है। पूरे तहसीलों में खरवार जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आपका जाति सर्टिफिकेट बंद है, जारी नहीं किया जाएगा।
1 सितंबर 2022 को विशेष सचिव द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया कि टीसी शैक्षिक संस्थाओं के टीसी परिवार रजिस्टर के नकल जिसमें खरवार अंकित हो और पूर्व में जारी प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे तहसीलों में खरवार जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। खबर फरीदाबाद से है जहां स्कूली बच्चों में किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। वहीं मामला इतना बढ़ गया कि एक लड़के ने दूसरे के पेट में बियर की बोतल फोड़ दी, घायल कर दिया। बता दें कि घायल बच्चे को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। वो मेरे ऊपर ढकेल दिया, मैं कुछ नहीं बोला, फिर बोला इसको मार। मैं बोला किस लिए मार गया मुझे। हाँ, मैं फिर जा रहा था तो बोले उसको पकड़ियो। उसके दोस्त बोले कौन सी क्लास के बच्चे थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है। वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ते। आपके स्कूल में नहीं पढ़ते। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। बारहवीं जिला केतन स्कूल। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप। पाँचवीं पढ़ते हैं। तो किसी ने बचाया नहीं आपको। अभी चोट आपको काफ़ी मारी है बियर से, किसी ने बचाया नहीं आपको। नहीं तो बियर तोड़ के मारी आपके। हाँ, बच्चा के साथ में हुआ है कि लड़का मेरा पढ़ के निकला स्कूल से जी। स्कूल से लड़का के ढकेल दिया मेरे लड़का के सर देह पर। मेरा लड़का बोल दिया कि हमारा पर क्यों ढकेले हैं। तो वो जब वो कांच के बोतल फोड़ के मेरा लड़का के शरीर में गड़ा दिया, मार दिया कांच के बोतल से। तो क्या बच्चे की किसी से कोई रंजिश थी, क्या वजह थी जो बच्चे को। वो रंजिश नहीं, वो बोल रहा कि बच्चे के अथी को बच्चे वो पकड़ रहा, पकड़ के उसके मारा, उसको छोड़ दिया इसके पकड़ के मारा। बाहर निकला जैसे छुट्टी हुई जी। सारे बच्चों को संगीत ने बाहर निकला। कोई उधर ही का कोई बच्चा होगा बाहर का जी। वो क्या किया कि ये इससे लड़ाई हुई, पता नहीं क्या हुआ, ये बता रहा है कि उसने इससे लड़ाई हुई, बात बात में उसने बियर मार दी इसके बोतल जी, इसके पेट में। तो क्या कोई बच्चे के साथ क्या ऐसी रंजिश थी जो बच्चों को बियर मार दी। अब यही जाने, अब उतना तो पता नहीं किया हमने। तुरंत हॉस्पिटल लेके आए, तुरंत यहीं पे बीके। फिर हमने पुलिस वाले को कॉल किया, एम्बुलेंस वाले को कॉल किया। तो फिर पुलिस वाले आए, एम्बुलेंस वाले भी साथ में आए। तो पुलिस वाले रास्ते में एम्बुलेंस में बैठा दिए बच्चे को और बोले कि बीके लेके पहुंचो, हम आ रहे हैं। खबर गाजियाबाद से है जहां मसूरी थाना इलाके के मिसलगढ़ी में पति ने महिला की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद इस मामले पर पुलिस ने पति सहित 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा और इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार के लोगों ने थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझा कर मामले को शांत करवाया। इसमें 5 तारीख को मिशलगढ़ी क्षेत्र में टिंगा नाम की महिला की हत्या की गई, जिसके बाद परिजनों की तहरीर लेकर इस पर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। उस मुकदमे में 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा चुका है, परंतु परिजनों में फिर भी असंतोष था। वो और कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार आक्रामक हो रहे थे। इसके पहले भी घटना के आगे उन्होंने थाने पर आके आक्रामक तरीके से व्यवहार किया था। आज परिजनों ने तकरीबन 200-250 लोग लेकर कैंटर पर झंडा बैनर और गद्दे वगैरह पूरी सुनियोजित तरीके से पूरी तैयारी के साथ उन्होंने थाने पर आकर घेराव किया और थाने पर काफ़ी हल्ला गुल्ला मचाया, नारेबाजी आदि की। इनकी मांग थी कि बाकी जो अभियुक्त उनको गिरफ्तार किया जाए, इनको समझा बुझा कर वापस भेज दिया गया। अब हत्या को अंजाम देने के बाद में परिवार के 3 सदस्य जो थाने में खुद सरेंडर हो चुके थे, जबकि मुकदमा हमने 1 घंटे बाद कराया, तो आज करीब 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन के पश्चात हम लोग थाने में आए हैं जानकारी लेने के लिए कि आगे आपके इस मुकदमे में आगे की कड़ी क्या हुई है, किसी को गिरफ्तारी दी गई है या नहीं दी गई है। सिर्फ इस बेसिक पे हम यहाँ थाना मसूरी में आकर के हम लोगों ने पूछताछ की है और अपने अधिकारों को मतलब अपने हक के लिए आए हैं। तो यहाँ पे हमें मतलब संतुष्टि ना देने की बजाय हमको और प्रताड़ित किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के MCH विंग मोतीपुर ऑयल हॉस्पिटल में डॉक्टर धरने पर बैठे हैं। बता दें कि भाजपा मंडल अध्यक्ष और सुरक्षा कर्मी में हुई मारपीट के मामले में भाजपा नेताओं ने FIR दर्ज कराई है, जिसको लेकर भड़के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने हड़ताल कर दी है और मांग कर रहे हैं कि हमारी तरफ से FIR दर्ज की जाए। क्या मांगे आपकी है? हमारी मांगे हैं
जो होमगार्ड को मारा है और हमारे सेमन साहब और वहाँ डॉक्टर के खिलाफ जो भी कार्रवाई को एफ आई आर दर्ज किया है उनको प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एफ आई आर दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए, यही हम लोगों की मांग है। कब तक हड़ताल चलेगी ये? जब तक हम लोगों को एफ आई आर नहीं मिल जाती, उनको अरेस्ट नहीं किया तब तक ये एफ आई आर चलती रहेगी। उसमें कितने नाम आए हैं सामने जी? उसमें कितने नाम आए हैं सामने? अभी हम लोगों को उसकी एफ आई आर की कापी नहीं मिली है। जैसा जानने को मिला है कि हमारे चेयरमैन साहब और एक मेडिकल अफसर ने विपक्ष के लोग जो यहाँ पे हंगामा किए हैं कल जी। खबर मथुरा से है जहां बच्चे ने जेल से भागने की कोशिश की तो किशोरों को मिली तालिबानी सजा दी गई और खंभे से बांध कर लाठी डंडों व बेल्टों से किशोरों को पीटा, जिसके बाद घायल किशोरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में जिला प्रोबेशन अधिकारी किशोरों के साथ हुई मारपीट के मामले में कहा कि मामला संज्ञान में आने पर जाँच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा है कि राजकीय संप्रेक्षण घर में कुछ किशोर जो हैं उन्होंने जो था एग्जॉस्ट फैन को तोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे जो थे कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया और जिसकी वजह से मारपीट हुई, तो उसकी जो है मेडिकल वगैरह बच्चों को कराया गया है और दोषी जो भी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। मारपीट की वजह क्या निकल कर आई? बच्चे भागना चाह रहे थे, उन्होंने एग्जॉस्ट फैन जो है वो वहाँ से तोड़ दिया था और वहाँ से भागना चाह रहे थे वो। फिर हमने जंगले में वो लगा रहता है किट का पंखा सा, वो हमने खोल लिया था इन भैया ने। फिर जो स्टाफ रहता है वहाँ पे रात को 3 जने रहते हैं, उन्होंने हमें मार लगाई है सर बहुत तेजी से। कैसे मार लगाई है? खम्भे से बांध बांध कर डंडा दिए हैं सर जी और बेल्ट दिए हैं, जूते जो मतलब जो कुछ मिला है सब तरह से मार लगाई है। और ये दोनों सर राजकीय संप्रेक्षण गृह से लाए गए थे, उनके शरीर पे जगह जगह चोट थी, बटक्स पे, बाँव में, चेस्ट पे, सब जगह चोट थी। उनका मैंने मेडिकल दोनों को कर दिया और उनके जो जहाँ जरूरत पड़ी उसका एक्सरे एडवाइस कर दिया और उनको दवा दे के उनको कोई ऐसी भर्ती करने की जरूरत नहीं थी, उनको वापस भेज दिया। बाकी यार तो किस तरीके के चोट के निशान है, मारपीट थी किस तरीके की? हाँ कुछ मारपीट के भी लग रहे हैं और कुछ गिरने से, दोनों तरह के। खबर उन्नाव से है जहां गणेश मूर्ति का गंगा नदी में विसर्जन करने पहुंचे युवकों में से 2 युवक सेल्फी लेने के दौरान गंगा में फिसलकर गहरे पानी में डूब गए। वहीं दोस्तों को बचाने के चक्कर में 3 युवकों ने गंगा में छलांग लगा दी और वह भी डूबने लगे, जिसके बाद घाट पर मौजूद गोताखोर भी रेस्क्यू में जुट गए और सभी युवकों को बाहर निकाला, जिसमें से 2 की मौके पर मौत हो गई और 1 युवक को कानपुर हेलट अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। हम यहीं थे लेकिन वो मूर्ति विसर्जन में आए हुए यात्रीगढ़ थे, विसर्जन इधर हो रहा था, स्नान उधर कर रहे थे वो लोग और यहाँ प्रशासन में 2-3 आदमी थे और 5 आदमी हमारे लोगों के थे गोताखोरों, वो सब यहीं मौजूद थे। लेकिन अब सेल्फी वार्ड जब चल रहा, जब से फोन चल गए तो अपनी अपनी फ़ोटो लेने के चक्कर में ये लोग पीछे हटते हटते चले गए, जब एक गया तो एक दूसरे को बचाने के चक्कर में। कितने मौत हुई है जानकारी? 2 की अभी हमको जानकारी हुई। अच्छा, यहाँ से तो सबको अस्पताल भेजा गया। कितने लोग डूबे थे? 5। ये थाना सफीपुर के परिया क्षेत्र अंतर्गत आज 3 बच्चों की डूब के मृत्यु हुई है जो माटी गांव के रहने वाले हैं। इनके नाम क्रमशः प्रशांत, लोकेश तथा विशाल हैं। शासन प्रशासन की तरफ से इनको आपदा मद के अंतर्गत 4 लाख रुपये की अनुमान्य धनराशि जो है वो क्लेम उपरांत दी जाएगी और सभी लोग सजग रूप से पूरा सद्भावना के साथ परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं
प्राइम टीवी, सच साहस